नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधि शशि। दोपहर के 3 बज चुके हैं और इसराइल को लेकर हर अपडेट आप न्यूज नेशन पर सबसे पहले देख रहे हैं। इसराइल में हमास की बर्बरता की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया सकते में है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है उसका कलेजा मुंह को आ रहा है। गाजा पट्टी से सटे इलाकों में इसराइली जनता पर हमास ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। महिलाओं को बंधक बनाया, मारपीट की, रेप किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। इसराइल से आ रही ये तस्वीरें पूरे मानवता को तार तार कर रही हैं। इसराइल के इसी दर्द को बयां करने के लिए हमारे साथ तेल अवीव हैं, हमारे भारतीय इसराइली मूल की लियोरा। उन्हीं से हम जानेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं। इसराइल में जो कत्ले आम हुआ वहां पर इस वक्त लोगों के जहन में डर कितना है, क्या उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा है, कब तक ये युद्ध खत्म होगा, ये सारी बातें उनसे हम करेंगे। लियोरा इतझाक इजरायली सिंगर है। इनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत में रही हैं, शास्त्रीय संगीत इन्होंने सीखा है। जब इजरायल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे तो राष्ट्रगान भी इन्होंने ही गाया था और कई गजलें गा चुकी हैं। सोनू निगम के साथ कई गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं। कुमार सानू, उदित नारायण, इन सबके साथ इन्हें संगीत का अनुभव है। लियोरा, आपसे बेहतर फिलहाल हमें कि कोई वहां के हालात के बारे में बता पाएगा। बहुत ही दुख के साथ मैं आपसे जुड़ी हूं यहां पर। वहां के हालात हम लगातार देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम वहां पर है। क्योंकि आप हिंदी बहुत अच्छे से बोल सकती हैं, आप समझती हैं हिंदी को, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूं कि वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, आप जैसे और जो लोग हैं क्या फेस कर रहे हैं। पहले तो नमस्कार। यहाँ इसराइल में जब से अटैक हुआ है वो साउथ में अटैक हुआ है, अभी जो चल रहा है कि नॉर्थ में भी अटैक हो चुका है, नॉर्थ से भी हमें मिसाइल्स आ रहे हैं, हिजबुल्लाह से, यहाँ हमास है और वहां पर से हिजबुल्लाह के, और इजिप्ट की तरफ से जो ज्यादा साउथ की तरफ है वहां पर भी हमारे कुछ लोग मर चुके हैं, जिस एक पुलिसमैन जो था इजिप्शियन उसने मार दिया। तो ये हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर लोग अपने फैमिलीज जो किडनैप्ड हो चुके हैं 150 बेबीज है जिनकी माएं को इधर छोड़िए और बच्चे को वहां पर लेके गए, जो 4-5 महीने के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और लेडीज, टीनेजर्स, मैन, वुमेन्स वगैरह सब लोग को लेके गए, एडल्ट को भी नहीं छोड़ा, 84-85 ईयर्स ओल्ड उनको भी लेके गए हैं वहां पर। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ जो मुझे सिर्फ आज सुबह पता चला, ये बात किसी को नहीं पता है, अभी आपके जो वहां पर जाते हैं देखने को उनको भी शायद नहीं पता है कि जब जिस समय उन्होंने टीनेजर्स, ये छोटे बच्चे, वुमेन वगैरह सब लोगों को मारा, मारने के बाद उन लोग का ये गला भी काट दिया, हाथ काट दिए, उनके ऊपर गाड़ी चला दी, मरने के बाद मतलब ये सब किया है, और जो बेबीज उन्होंने बेड पे मारा, सोते सोते मारा है उन लोगों को, और ये बहुत बहुत टेरिबल बात है। वॉर जब आर्मी आर्मी से होती है ये कोई बात है, लेकिन आर्मी, ये मैंने पहली बार देखा है। लोग कहते हैं कि हम लोग फैलेस्टीन के सिटीजन को मारते हैं, ये बात सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है। मैं अभी बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है वहां पर। फलस्तीन में जो लीडर बैठा है वो हमास है, वो बहुत बड़ा बड़ा टेररिस्ट है, और वो वहां पर उसने फलस्तीन के लोग जो सिटीजन है उन लोगों के लिए हम लोग सब कुछ बेचते हैं, मेडिसिन, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ भेजते, पैसे भी भेजते हैं, और मुझे मालूम है कि बाहर के तरफ से अरब जो कंट्रीज है वहां से भी वहां पैसा आता है, और उस पैसे से जो ये जो पैसा है उधर तो बहुत बड़ी दुनिया बना सकते हैं, लेकिन उस पैसे से क्या करते हैं, जो ये पैसा कहाँ जाता है, ये पैसा उन लीडर के पास जाता है जो टेररिस्ट है, और टेररिस्ट क्या करता है, उन लोग को भूखा मारता है, और इससे वो बॉम्ब बनाता है, गन्स बनाता है, और नीचे जो होते हैं ना अर्थ के नीचे खोदता है, और वहां से इसराइल की तरफ मतलब वो निकालता है एक जगह निकलने की। तो ये सब इस पैसे से होता है। और दूसरी बात तो ये है कि वहां पर वीडियो भी बना जाते हैं,
गलत ये फेक न्यूज़ लाइक मैं नहीं कहती हूँ कि देख जो रहे बच्चे हैं वो वहां पर वीडियोस हम वो टनल की तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई जिसके जरिए जो आतंकवादी हैं वहां के हमास के वो शरण लेते हैं वहीं से सब कुछ वो रेगुलेट कर रहे थे। एक खबर ने आज पूरे विश्व को झंझोर कर रख दिया, 40 बच्चों का कत्ल, इतनी बर्बरता। 40 से ज्यादा है, 40 नहीं 40 एक से ज्यादा साथ जिन बच्चों को उन्होंने कत्ल किया है वही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये तो 1200 पीपल एक दिन में किल्ड किए, मारा है। ये कोई आर्मी लोगों के नहीं है, ये सब सिटीजन है जी, सिटीजन। इसे कैसे बयां करें, इसे कैसे बयां करें लियोरा, क्योंकि हर कोई सिर्फ ये देख रहा है कि मानवता शर्मसार हो रही है। वो मुल्कों की लड़ाई में पिस रहे हैं आम नागरिक, वो आम नागरिक जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि अगले पर उन पर मिसाइल गिर जाएगी, बच्चों से माँ बाप दूर हो जाएंगे, माँ बाप से बच्चे दूर हो जाएंगे, लोग बिलख रहे हैं अपनों की तलाश के लिए। मैं कहना चाहती हूँ और एक बात के लोग कहते हैं कि हम लोग फलस्तीन को मारते हैं ना, ये बात मैंने शुरू की है इसके पहले भी। हाँ। लेकिन बात क्या है, जब हमारी आर्मी यहाँ पर वो लोग मिसाइल्स भेजते इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बॉम्ब, बहुत बड़े बड़े बॉम्ब फूटते, इतने बड़े बॉम्ब होते हैं कि पूरी धरती हिलती है। यहाँ पर हम लोग अपने शेल्टर में जाते हैं तो ये जब वो लोग बॉम्ब फेंकते हैं उसका मैं कहना क्या चाहती थी, मैं भूल गई, मेरा लिंक बिल्कुल, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। और आप एकदम, मैं चाहती हूँ आप एकदम रिलैक्स होकर, आप ये बता रही थी किस तरह से टनल में घुसकर वो लोग शरण लेते हैं, फिर वो जो उन तक हथियार कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी जानकारी आप साझा कर रही थी हमारे साथ। और आप ये भी बता रही थी कि उन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग की थी, कैसे कैसे उन्हें सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट तो उनको अरब कंट्रीज से मिलता ही है, ये तो बात पता है हमें। लेकिन मैं ये एक बात जरूर जानती हूँ कि ये लोग जो यूज करते, हाँ मैं ये बात कह रही थी कि जब आर्मी लोग हमारे वहाँ पलेस्टीन को वहां पर अटैक करते हैं तो वो लोग एक घंटा पहले बताते हैं, वो पलेस्टीन को अटैक नहीं करते, वो टेररिस्ट को अटैक करते हैं जी। वो एक घंटा पहले बताते हैं कि हम इस जगह को अटैक करने वाले, एक एक को वो लोग फोन भी लगाते हैं और बताते हैं कि हम लोग इस जगह को अटैक करने वाले हैं, और तब जाके बॉम्ब फूटता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, जो टेररिस्ट है वो खुद अपने खुद लोगों को पकड़ के रखा है, उन्होंने छोटे बच्चों को, फैमिलीज को वहां पर लाके रखता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहोगे, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ऐसे दो तीन फैमिली या चार फैमिली लेके, आई डोंट नो हाउ मच फैमिली, जब बॉम्ब फूटता है ये फैमिलीज को तो जाने भागने चाहिए वहां से, लेकिन वो जबरदस्ती से पकड़ के रखता है और फिर दिखाते हैं सब लोगों को कि देखो इसराइली लोगों ने फलस्तीन, यानी वो अपने ही लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग जो उन्हें टैक्स देते हैं उन्हीं का इस्तेमाल हमास कर रहा है। बराबर। अभी क्या बात, मैं एक बताना चाहती हूँ, और वो हमास जो है वो कहाँ पर छुपने को जाता है, वो स्कूल में छुपता है, किंग गार्डन में छुपता है, अपने खुद के मस्जिद में छुपता है, और हॉस्पिटल में भी छुपता है, नीचे उन लोगों ने अपना बना के रखा है। उसे मालूम है कि इसराइल के सोल्जर्स बहुत, उनका दिल बहुत अच्छा होता है, वो ऐसे ही नहीं मारते हैं, जब मारते हैं तो कह के मारते, लेकिन वो इस जगहों पे मार नहीं सकता है, तब भी जाके वो वहीं पर जाके छुप जाता है। लियोरा, कई ऐसे नागरिक हैं इसराइल के, बच्चे महिलाएं, अभी एक हम तस्वीर देख रहे थे, गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। अभी बहुत सारे नागरिक कब्जे में हैं हमास के आतंकियों। बराबर, एक माँ अपने साथ भाग रही थी, वो पकड़ते ना वो उसको व्हील, बच्चों का जो होता है छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से एक वीक का बच्चा होगा, उसके हस्बैंड ने विंडो को पकड़ा और वो रूम से निकल गई, सॉरी डोर से निकल गई, और उसने पकड़ के रखा, फिर उस हस्बैंड को, हस्बैंड के साथ क्या हुआ या आज उसे मालूम पड़ा है, वो मर चुका है, और ये औरत भागने लगी, वहां पर कोई रूम खोल नहीं रहा था, और उसने देखा कि उसके पीछे और भी लोग भाग रहे हैं, वो कैसे तो भी एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां पर बहुत सारी मिट्टी होती है ना, जिससे हम लोग फूल और वगैरह उगाते हैं, तो ये सब पूरी मिट्टी उसने खुद पे डाली, उसके छोटे बच्चे पे डाली ताकि वो आवाज नहीं निकाले, ताकि पता नहीं चले कि वो कहाँ पर है। इसके बाद उसने देखा कि आवाज बहुत बहुत जल्दी जल्दी आ रही है उनकी तरफ, तो वहां से भी वो भाग गई, और एक फैमिली थी उनके लिए घर खोला, वो बच गई है, लेकिन आज उन्हें पता चला कि एक्चुअली। लियोरा, आप इस वक्त जैसे बयां कर रही हैं, विश्वास मानिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
हम बच्चों की तस्वीरें चला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि उन बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हम इतनी दूर से कवरेज कर रहे हैं ताकि पूरे विश्व में ये मैसेज जाए, ये पता लगे कि जंग समाधान नहीं है। मैं आपसे आपने जी अपनी बात कही है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर अगर हम लोग पूरी दुनिया जो कंट्रीज है, ओके, मैं वो नहीं कह रही जो ईरान जैसे वहां पर टेररिस्ट बैठे हैं, ऐसी कंट्रीज, मुझे मालूम है इंडिया हमारे साथ है, लेकिन बहुत सारी और कंट्रियां को एक साथ होने चाहिए उनको। अगर हम लोग एक साथ नहीं होंगे, अगर इसराइल चला गया, अगर उसे निकाल भी देंगे, तो जब टेररिस्ट जो होगा ना, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो हर कंट्री में जाएगा, उसका एक ही टारगेट है, वो किसी को भी मारता है, उसे नहीं पता कि वो उसको उसको है ही नहीं कि मतलब मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जुदाइज्म हो, कोई भी हो, उसको सिर्फ एक ही टारगेट है, उसे सिर्फ मारना है। और ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, आप भी इंडिया में रह चुके। मैं जब 89 में इंडिया में आई थी, 8 साल रही थी, मैंने वो सब देखा है। मैं वर्ली में रहती थी उस समय जब बॉम्बिंग हुई थी और कितने सब लोग मर गए थे। मैं 17-18 साल की थी उस समय। तो ये सब जो है हमेशा यहाँ पर इंडिया इसराइल में चलता है। हर कुछ महीनों से यहाँ पर मिसाइल्स भेजते हैं और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 1200 पीपल एक दिन में मर गए हैं। हम लोग छोटी कंट्री है लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हर लड़का लड़की यहाँ पर आर्मी में जाते हैं और बहुत स्ट्रांग है, मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रांग है। न्यूरा, मुझे ये आप बताइए वहां पर कि अभी हम ये समझे कि जो नागरिक हमास के आतंकियों के कब्जे में हैं, सिर्फ अभी वो असुरक्षित हैं, यानी आपकी जो सेना है क्या पूरी तरह से आप लोग उनके घेरे में हैं, या अब इसराइल के नागरिकों को क्या अभी भी खतरा बना हुआ है? खतरा बना हुआ है क्योंकि अभी भी कुछ सुबह तक हमारे जो आर्मी के मेन है तो उन्होंने कहा है कि उनको जितना मालूम है कि यहाँ पर नहीं है टेररिस्ट, लेकिन फिर भी और एक है इधर उधर, कुछ ना कोई कोई ना कोई तो छुप गया है, क्योंकि मोर देन 1000 टेररिस्ट घुस आए हैं यहाँ पर। ये जो अटैक हुआ है वो सिर्फ चल के नहीं, मतलब अर्थ से नहीं, ऊपर से मतलब स्काई से भी हुआ है और सी की तरफ से भी आए हैं यहाँ पर, और नीचे से भी आए हैं खोद कर, जमीन खोद कर, आप समझ रही हैं जी। तो जी। ये सब मतलब ये जो हुआ है, मैं क्या कहूँ, कुत्ते बिल्ली कैसे मारते हैं वो लोग, जो ऐसा इस तरह से उन्होंने मारा है। हमारी पूरी टीम है इस वक्त वहां पर लियोरा, और जो कवरेज हम कर रहे हैं उसमें हम ये बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि जो कत्लेआम वहां पे आतंकियों ने मचाया है वो एक बहुत बड़ा सवाल पूरे विश्व के लिए फिर से बन गया है कि क्या इस पिसने वाले सिर्फ आम नागरिक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात लियोरा, आप वहां के इतिहास को भी जानती हैं, आप भारत के इतिहास को भी जानती हैं, इसलिए क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत पर अध्ययन किया है तो ये बहुत लाजमी है कि आपने इतिहास पढ़ा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। हर बार युद्ध कोई भी हो, किसी भी मुल्क में हो, महिलाएं और बच्चे टारगेट होते हैं, सबसे ज्यादा वही बलि का बकरा बनते हैं। देखो उक्राइना में भी, वहां पर भी बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ये गलत है, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, दुनिया को उठने चाहिए और ये जो चल रहा है इसे बंद करने चाहिए। मारना वगैरह इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, हम सब एक हैं। ये मैंने एक मेरा एक वायरल मैंने एक वीडियो किया है, वो बहुत वायरल हो चुका है और मुझे बहुत सारे मुस्लिम लोगों के भी वहां पर गालियां देते हैं वगैरह, ऐसा सब लिखते हैं, फलस्तीन हमारा है, फलस्तीन ऐसा है, फलस्तीन आप लोग ने भी ऐसा ही किया है। ये सब उन लोग को ये समझ में आने चाहिए, उनका ब्रेश वॉश किया है ऑलरेडी। मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी आए हैं इंसान लोग, हम लोग एक ही जगह से आए हैं, कोई एक ही जगह से आए हैं, बस एक यहाँ पर पैदा हुआ है, एक वहां पर पैदा हुआ है, एक वहां पर पैदा हुआ है, और हम लोग सब लोग एक ही जगह पर जाने वाले हैं और उसी को सब अलग अलग तरह से कहते हैं। एक कृष्णा कहता है, एक राम कहता है, एक मोहम्मद कहता है, एक एलोहिम कहता है, एक अल्लाह कहता है, सब एक ही जगह पर जाने वाले हैं। ये सब बंद करो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये शहीद अल्लाह के और ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं तो आतंकवाद का तो कोई चेहरा होता ही नहीं है, कोई धर्म होता ही नहीं है। लेकिन लियोरा एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आप अपने अंदाज में क्या कोई मैसेज देना चाहती हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी ऐसा ऐसा कोई संगीत, ऐसा कोई गाना इस वक्त जो आपके जहन में हो जिसके जरिए आप मैसेज देना चाहें? वाओ, गाना गाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, मेरे भाई बहन किडनैप्ड है और ऐसे भाई बहन अलग अलग जगहों पर भी किडनैप है,
मैं जुदाइज्म की बात नहीं कर रही, यहूदी की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, ऐसे मुस्लिम लोग भी है और ऐसे क्रिश्चियन भी है और ऐसे हिंदू भी है जो कहाँ कहाँ उनका इनका किडनैप हो चुका है। इन लोगों को फ्री करना हमारा हमारा काम है। ये बहुत जरूरी है कि ये सब लोगों को पता चले कि यहाँ पर जो है, अभी तो यहाँ चल रहा है, मैं इधर की बात जानती हूँ कि यहाँ पर जो हमास है, जो पलस्टीन अपने 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 खुद के पलस्टीन लोगों के ऊपर उसने काबू रख लिया लाए, वो लोग कुछ हम कह सब नहीं यही सकते उम्मीद हैं। करते हैं लियोरा, इस वक्त पूरा विश्व ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द ये जो युद्ध है ये रुक जाए, थम जाए, क्योंकि सपोर्ट करने से बेहतर है कि मध्यस्थता की जाए। किसी का पक्ष लेने से बेहतर है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई आकर ये कह दे कि इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगा दो, क्योंकि वो महिलाएं, वो बच्चे, वो आम नागरिक सबसे गुहार लगा रहे हैं, सब तरफ अपनी नजरें आस भरी नजरें। ये वॉर खत्म नहीं हो सकती है कि क्योंकि ये वॉर कोई आर्मी से नहीं चल रही, ये एक टेररिस्ट से चल रही है। टेररिस्ट को जीने का कोई हक नहीं है इस दुनिया पे, इस अर्थ पे। ऊपर वाला भी शायद उसे लेना नहीं चाहेगा, पता नहीं उसका कहाँ जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए लियोरा, बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़िए, आपने वहाँ के हालात की जानकारी दी और हम ये दर्शकों को समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं आप लोगों को कि आप देखिए कि वहाँ के हालात